हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोरिक सिरप के बारे में। तो अगर आपको भी सर्दी खांसी की समस्या है या फिर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जितने भी मेरे नए वीडियो होंगे सबसे पहले आपके पास होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्टोरिक सिरप के बारे में। इसके और टोरेक सिरप जो है वो टर्क कंपनी की बनाई हुई एक प्रोडक्ट है जो कि सर्दी खांसी में हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं टोरेक सिरप के बारे में। तो टोरेक सिरप चार प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है। पहली है टोरेक सिरप जो आप देख रहे हैं 100 ml की, दूसरी आती है इसकी छोटी सी पैक 60 ml की, और तीसरी आती है इसकी टोरेक्स जूनियर के नाम से, जो कि बच्चों में बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक ये सिरप है सर्दी खांसी के लिए। और चौथी जो आती है दोस्तों वो है टोरेक्स एसएफ, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बनाया गया है। अगर आप मधुमेह रोगी हैं या शुगर पेशेंट हैं आप, तो आप टोरेक्स एसएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चार प्रकार की टोरेक्स हैं। तो आइए जानते हैं इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का उपयोग किया गया है। सबसे पहले दोस्तों टोरेक सिरप की बारी आती है। तो टोरेक सिरप में जो मॉलिक्यूल मिलाए गए हैं वो पांच प्रकार के हैं। पहला है डाइफेन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरी है टेरपिन हाइड्रेट, चौथी है एमोनियम क्लोराइड, पांचवी है सोडियम सिट्रेट और मेंथोल, जो कि बहुत ही अच्छे गले के लिए यूज आते हैं। अगर हमारे गले में खराश की शिकायत है या फिर कफ की शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से आपकी जो गले में खराश की प्रॉब्लम है या फिर खांसी है या फिर सर्दी है तो वो दूर होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं आप टोरेक्स जूनियर सिरप के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलाए गए हैं उसके बारे में। दोस्तों, टोरेक्स जूनियर में डेक्सामेथोरफोन, क्लोरफिनालमिन और फिनाइल एफरिन मिलाया गया है, जो कि सर्दी खांसी में बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी मॉलिक्यूल माने जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आप सबकी एमआरपी के बारे में। टोरेक्स जूनियर की एमआरपी लगभग 46 रुपीज है और टोरेक्स जो 100 ml है इसकी एमआरपी 99 रुपीज है, और 60 ml जो है टोरेक्स इसकी एमआरपी करीबन 58 रुपीज है, और टोरेक्स एसएफ जो सिरप आती है उसकी एमआरपी लगभग 80 रुपीज है। दोस्तों, तो आप जिस प्रकार के पेशेंट हैं उस प्रकार के आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप टोरेक्स एसएफ का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग खांसी की प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्ग को या फिर यूं माने तो 10 ईयर एबव के लोगों को, तो आप टोरेक्स प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टोरेक्स अलविदा खांसी आती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर से नीचे के चाइल्ड हैं आपके घर में और उनको सर्दी खांसी की समस्या है तो आप इस टोरेक्स जूनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आप इसके डोज के बारे में, इसके डोज क्या हैं। तो अगर आप 5 एबव हैं तो भी आप इसका, इस जो टोरेक्स प्लेन है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 5 ईयर एबव हैं तो आप इसका 5 से 10 ईयर में 5 ml 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर 10 से आप एबव हैं तो आप इसका इस्तेमाल 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, वही अगर आप टोरेक्स एसएफ की बात करें तो वो सिर्फ एडल्ट के लिए आती है, और जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए, मधुमेह रोगी जो हैं उनके लिए वो भी उसका इस्तेमाल 10 ml करके 3 टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस टोरेक्स जूनियर के बारे में। अगर आपके घर में चाइल्ड हैं और उनको सर्दी खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल 1 ईयर एबव से अगर आप देना चाहते हैं 5 ईयर तक, तो आप इसका इस्तेमाल 2.5 ml 3 टाइम से लेकर 5 ml करके 3 टाइम दे सकते हैं। अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, और जब भी इसका इस्तेमाल आपको करना रहे टोरेक्स सिरप की या फिर टोरेक्स जूनियर की या टोरेक्स एसएफ की, तो आप डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें, उनसे पूछ लें कि इसके डोजेज क्या हैं, और भी अगर कोई समस्या है तो भी आप उनसे सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अगर इनके ओवर डोज हमारे शरीर में आ जाए या फिर ओवर डोज हम इसकी लें तो हमें क्या समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप टोरेक्स सिरप का ओवर डोज लेते हैं तो हमें नींद आने की समस्या हो सकती है, हमारे जो शरीर है उसमें सुस्ती आ सकती है, और इसके और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कैसे करें? इसका इस्तेमाल दोस्तों सबसे पहले जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं
तो इस्तेमाल करने के तुरंत बाद अब पानी का सेवन न करें, पानी न पिए। इस टोरेक्स सिरप के इस्तेमाल के आधे या पौने घंटे 45 मिनट के बाद ही आप पानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल मिलाए गए हैं वो अच्छी तरह से हमारे गले और फेफड़े में काम आ सकें, जिसके कारण जो भी हमारे कफ की शिकायत या फिर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो। तब जब भी इसका इस्तेमाल करें तो आप पानी का सेवन 30 से 45 मिनट तक न करें, तो ही आपको ज़्यादा फायदे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी या ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की और जानकारी के लिए और वीडियो के लिए आप कमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें।